इसराइल इस वक्त चौतरफा युद्ध कर रहा है। वो अकेले चार मोर्चों पर ईरान, हिजबुल्ला, हमास और यमन के हुती विद्रोहियों पर कहर बरपा रहा है। इस बीच जानकारी आ रही है कि हिजबुल्ला पर एक्शन के बाद अब इसराइल ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि रविवार दोपहर को इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने यमन के बंदरगाह शहर खोदेईदाह में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर दर्जनों हमले किए। आईडीएफ ने बताया कि इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टर के निर्देश पर एयरफोर्स ने रविवार को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन में लड़ाकू विमानों ने यमन के रास इसार और खोदेईदाह के इलाकों में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया। मिलिट्री के बयान के अनुसार आईडीएफ ने बिजली संयंत्रों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसका इस्तेमाल तेल आयात करने के लिए किया जाता है। आईडीएफ ने बताया कि वो इसराइल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करेगा और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा ही काम करता रहेगा, चाहे उसे कितनी भी दूर क्यों न जाना पड़े। इसराइली सेना का कहना है कि एयरफोर्स ने इजरायली सीमा से लगभग 1800 किलोमीटर दूर यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया। सेना ने बताया कि यह हमला हुती विद्रोहियों द्वारा हाल में इजरायल पर किए गए हमलों का जवाब देने के लिए किया गया था। पिछले साल के दौरान हुती विद्रोही इजरायल को नुकसान पहुंचाने, इलाके की व्यवस्था को कमजोर करने और नेविगेशन की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए ईरान के निर्देश, फंडिंग और इराकी मिलिशिया के सहयोग पर काम कर रहा है। आईडीएफ इजरायल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करना और उसे नुकसान पहुंचाना जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है, चाहे वो कितनी भी दूरी तय करे। वहीं हुती विद्रोहियों के नेता ने शनिवार रात दावा किया कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका से अपने देश लौटने के दौरान सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कुछ घंटे पहले सेंट्रल इजरायल में लॉन्च की थी। इसके उत्तर इजरायली सेना के गाजा में हवाई हमले में 11 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इजरायली विमानों ने कई उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों पर बमबारी की। गाजा चिकित्सकों ने कहा कि उत्तरी गाजा पट्टी के बेतलाहिया में विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाला एक स्कूल भी इजरायली सेना के हमलों की चपेट में आ गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने उस परिसर में बने कमांड सेंटर से काम कर रहे हमास के आतंकवादियों पर हमला किया, जो पहले अल फहम स्कूल के रूप में काम करता था। उसने हमास पर सैन्य उद्देश्यों के लिए नागरिक सुविधाओं और उसकी आबादी का शोषण करने का आरोप लगाया, जिसको हमास ने खारिज कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि एक अन्य हमले में गाजा शहर के एक घर में 3 लोग मारे गए। गाजा पट्टी के मध्य और दक्षिण हिस्सों में उसी रात और खान यूनिस में 3 अलग अलग हवाई हमलों में 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। निवासियों और हमास मीडिया के अनुसार इजरायली सुरक्षा बलों ने मिस्र की सीमा के पास रफाह और गाजा शहर के उपनगर जिटॉन में अपना ऑपरेशन चलाया, जहां बलों ने कई घरों को उड़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।